Hello friends, welcome to my channel. I am Akshay Budulwar and you are watching Physics Corner. तो इस लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं non-homogeneous second order linear differential equation. देखिए, अब तक अपन ने क्या सीखा था? Homogeneous differential equation. क्योंकि जो कि differential equation right hand side रहती थी, उसमें क्या रहता था? R equals to zero. तो अब देखिए, मैंने एक example नीचे लिखा है. तो जो कि ये फॉर्म है यानी कि फंक्शन f ऑफ d इनटू y इक्वल्स टू r. तो देखिए r यहां पे क्या है, e पावर x. तो देखिए d2 अपॉन dx स्क्वायर इज रिप्लेस बाय व्हाट, d, एंड d बाय dx इज रिप्लेस बाय व्हाट, d. ये रिप्लेसमेंट अपने को ये इक्वेशन में पुट अप करना है. तो क्या रहेगा, d स्क्वायर इनटू y प्लस 5 टाइम्स d प्लस 6 इनटू y, सॉरी 6d, हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए 5dy प्लस 6 इक्वल्स टू e पावर x 6 टाइम्स यहाँ पे 6 इनटू y. तो देखिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 इनटू y. तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, y. तो क्या बन गया, d स्क्वायर प्लस 5 d plus 6 into y equals to e power x. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो पहली इसमें जनरल फॉर्म लिख के दिया, तो ये फॉर्म में इक्वेशन आ गया. देखिए ये हो गया फंक्शन ऑफ d, ये हो गया y, और ये हो गया r. r is nothing but here e power x. यहाँ पे r क्या है, e power x. f of d जो फंक्शन है वो है ये है. देखिए जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ सकता है. तो देखिए अब देखिए टाइप वन सीखने वाले हैं, टाइप वन इफ आर इक्वल्स टू ई पावर प्लस माइनस ए एक्स. तो देखिए अगर राइट हैंड साइड में आर इक्वल्स टू ई पावर प्लस माइनस ए एक्स रहा, तो अपन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए जो कि अपना ये जनरल फॉर्म है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू वाई इंटू ई पावर एक्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y equals to 1 upon f of d into e power x. तो इसको कहते हैं अपन y into particular integral. तो कोई भी differential equation का, non-homogeneous differential equation का particular integral कैसे निकाल सकते हैं अपन, y equals to 1 upon f of d into r. r कुछ भी रह सकता है, r यानी कि algebraic function, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो टाइप वन में अपन जो सीख रहे हैं उसमें क्या है, आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस माइनस ए एक्स. तो देखिए ये एग्जांपल यही लेंगे, अपन एग्जांपल लेंगे, इसके जरिए आपको सब समझ जाएंगे. इसको अपन डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स. तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे. देखिए पहले तो इसको अपने को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर बाद में क्या करना है अपने को, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है. क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो रहता था पहले, तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देते, लेकिन इस बार राइट हैंड साइड में कुछ तो भी फंक्शन है. वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो पहले तो अपने को यानी इसका जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा टोटल, वो क्या रहेगा, वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस वाई इंटू पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन रहेगा, y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको पता है, इसका क्या पहले फैक्टराइजेशन करना है कि d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0. d स्क्वायर प्लस 5d का अपन ऐसे लिख सकते हैं 3d प्लस 2d प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो यहां से देखिए d कॉमन, तो आंसर क्या हो जाए, d प्लस 3. तो यहां से 2 कॉमन, अच्छा क्या है, d प्लस 3 इक्वल्स टू 0. D plus 3 common. D plus 3 into D plus 2 equals to 0. Therefore, D equals to minus, sorry, D plus 3. D equals to minus 3. And D equals to minus 2. देखिए, roots are real but unequal. इसके लिए y complementary function क्या रहेगा? C1 e power minus 3x plus C2 e power minus 2x. तो ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये जो जनरल फॉर्म है,
मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ y equals y particular integral equals to 1 upon f of d. f of d अपने पास क्या है? d square plus 5d plus 6. और r क्या है अपने पास? r जो right hand side में क्या है? e power x. तो देखिए यहाँ तक आ गया. अब जो ये type 1 है, type 1 में क्या करना है? 1 upon f of d is replaced by a. d is replaced by a. ठीक है, जो e पावर प्लस माइनस a इंटू x है, तो x का जो कोएफिशिएंट रहेगा, प्लस a भी रह सकता है, माइनस a भी रह सकता है. तो ये क्या करना है, जो कि फंक्शन f ऑफ d था, तो d इज रिप्लेस बाय क्या करना है, a. d इज रिप्लेस बाय a. तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस a की जगह क्या है, यहाँ पे प्लस 1 है, कुछ नहीं, यानी क्या है, 1 है. तो फिर क्या हो गया, d इज रिप्लेस बाय व्हाट, 1. देयरफॉर 1 अपॉन 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ई पावर x एज इट इज. तो क्या हो गए, 1 5 प्लस 6 कितना हो गया, ई पावर x, ये कितना है, 1 बाय 12 इंटू ई पावर x. तो ये क्या हो गया अपना y पर्टिकुलर इंटीग्रल. देखिए ये इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 1 में क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 पुट करना है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल. y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e पावर माइनस 3x प्लस c2 e पावर माइनस 2x प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय 12 e पावर x. ओके, तो देखिए उन्होंने क्या पूछा था, यानी कि अपन अब पूरा जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड कर लिया. जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल. अगर उन्होंने y पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पूछा है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पूछा है, तो सिर्फ ये फॉलो करना है. अगर उन्होंने जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर बाद में उन्होंने जैसे पूछा वैसे निकालना. अगर दे आर आस्किंग फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, वी कैन फाइंड आउट दिस. देखिए बहुत ही इजी था. टाइप 1 में क्या, अगर राइट हैंड साइड में r इक्वल्स टू e प्लस माइनस ax रहा, तो जो कि फंक्शन रहेगा वो प्लस माइनस a से रिप्लेस करना का. यहाँ पे प्लस a रहा तो प्लस a से रिप्लेस करना का. अगर यहाँ पे माइनस a रहा तो माइनस a से रिप्लेस करना. बहुत ही सिंपल था. तो अगले वीडियो में इसके ऊपर और एक दो प्रॉब्लम देखेंगे. थैंक यू.